भारतीय टीम को पांचवें टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट के बड़े अंतर से हरा दिया। उसके बाद दोस्तों चमत्कार हो गया और भारतीय टीम ने हारने के बाद भी इस टेस्ट सीरीज को भी जीत लिया। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर की जानकारी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंडिया वीएस इंग्लैंड के बीच में पांचवा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 416 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, जबकि भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की टीम को 284 रन पर ही ऑल आउट कर दिया, जबकि दूसरी पारी में भारतीय टीम ने खेलते हुए 245 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और इंग्लैंड टीम को जीत के लिए चाहिए थे 377 रन। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की ओर से एलेक्स लीज ने 56 रन की तूफानी पारी खेली, तो वहीं जैक क्राउली ने 40 रन बना डाले। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को ऐसा लग रहा था 2 विकेट गिरने के बाद कि हम इस टेस्ट सीरीज को जीत जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने तो कमाल कर दिया, जबकि जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने 269 रन की पार्टनरशिप खेली और जो रूट ने 142 रन की नाबाद पारी खेली, तो वहीं जॉनी बेयरस्टो ने 114 रन की नाबाद पारी खेली और पांचवें टेस्ट मुकाबले को इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के बॉलर ज्यादा कमाल नहीं कर पाए और भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह 2 विकेट चटका पाए, जबकि पांचवें टेस्ट मुकाबले को हारने के बाद भी भारतीय टीम ने इस टेस्ट सीरीज को जीत लिया, क्योंकि भारतीय टीम ने 2-2 से बराबरी कर ली थी।